ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 2.5 ಲಕ್ಷದ ಸನಿಹಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆತಂಕದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರದ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾವನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ನೋವಾಗಬಾರದು पहली मीटिंग है 2022 की। सबसे पहले तो आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई। मकर संक्रांति, पोंगल, भोगली बिहू, उत्तरायण और पौष वर्ष के भी अग्रिम शुभकामनाएं। 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से भारत की लड़ाई अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। परिश्रम हमारा एकमात्र पथ है और विजय एकमात्र विकल्प। हम 130 करोड़ भारत के लोग अपने प्रयासों से कोरोना से जीतकर अवश्य निकलेंगे। और आप सबसे जो बातें मैंने सुनी हैं उसमें भी वही विश्वास प्रकट हो रहा है। अभी ओमिक्रॉन के रूप में जो नई चुनौती आई है, जो केसों की संख्या बढ़ रही है, उसके बारे में हेल्थ सेक्रेटरी तरफ से विस्तार से हमें जानकारी दी गई है। अमित शाह जी ने भी प्रारंभ में कुछ बातें हमारे सामने रखी है। आज अनेक मुख्यमंत्री समुदाय की तरफ से भी, और वो भी हिंदुस्तान के अलग अलग कोने के, काफी महत्वपूर्ण बातें हम सबके सामने आई है। साथियों, ओमिक्रॉन को लेकर पहले जो संशय की स्थिति थी,